बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो नमस्कार दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के नमस्ते यूपी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ अतीक कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और अच्छी अच्छी बातों से किया जाए तो पूरा दिन भी बेहतरीन गुजरता है तो इसी के साथ आइए देखते हैं आज का सुविचार। सिर्फ हमें जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे पूरे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है यानी कि शिक्षा सिर्फ डिग्रियां या फिर अंक पत्र हासिल कर लेना ही नहीं होता है बल्कि बेहतर चरित्र उम्दा बातचीत और उसके अलावा हमें अच्छे नागरिक बनाने की बात करता है तो दर्शकों इससे पहले कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, हम आपको बता देना चाहेंगे कि नमस्ते यूपी कार्यक्रम आप सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर नौ बजे तक लाइव देख सकते हैं और इसका पुनः प्रसारण आप रात को आठ बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक देख सकते हैं तो दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमस्ते यूपी कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं जनता से जुड़े हुए सरोकारों को और उनके मुद्दों को तो आइए आज का मुद्दा देखते हैं हमारा आज का मुद्दा है हमारा आज का मुद्दा है ऑनलाइन शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण दर्शकों कोरोना वायरस महामारी से देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है शिक्षा पर भी इसका खासा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान बैठे हुए हैं हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी हम इनसे बात करेंगे इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत नहीं। बहुत, नहीं। बहुत स्वागत है सर चूंकि आप स्वयं एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पर कोरोना वायरस महामारी में बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है इसके बारे में बताएं देखिए जब कोविड नाइन्टीन कि यह महामारी आई और पूरी दुनिया में लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ क्योंकि ये संक्रामक बीमारी थी एक दूसरे एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को होना था इसलिए सबसे पहले ये जरूरी था कि लोगों के बीच की दूरी बनाए रखी जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई उसके लिए पहला कदम उठाया गया कि सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और जैसे स्कूल कॉलेज बंद हुए उस समय परीक्षाएं नज़दीक थी पहली चुनौती हमारे सामने थी कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और साथ ही साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये था कि स्टूडेंट खास करके जो छोटे बच्चे थे स्कूलों में पढ़ने वाले उनके सामने एक बहुत ही भयावह तस्वीर सामने आती थी वो टेलीविजन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से वो ये पढ़ रहे थे सुन रहे थे कि एक ऐसी महामारी आई है जिससे एक व्यक्ति जो उस बीमारी से ग्रस्त है उसके संपर्क में आते ही दूसरा व्यक्ति और शुरू में जो माहौल था कि उसकी जान चली जा रही थी उसके लिए कोई उपाय भी नहीं था कोई इलाज भी नहीं था तो इस तरह का जो डरावना वातावरण था जो ट्रामेटिक सिचुएशन थी उससे बाहर निकालना भी चुनौती थी कि बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाई में एंगेज किया जाए ताकि दोनों बातें हों एक तो उनकी पढ़ाई की जो क्षति हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति हो और दूसरे उनका मन मस्तिष्क ये जो भयावह वातावरण है उससे थोड़ा बाहर निकले वह अपनी जो पुरानी दुनिया है उसमें एंगेज हो इसी को ध्यान में रख करके आन पढ़ाई के बारे में सोचा गया जी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जा रही है आपके विभाग द्वारा तो क्या जो ग्रामीण अंचल है वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर और इंटरनेट को लेकर क्या आपके विभाग को कोई फीडबैक वगैरह मिल रहे हैं कि कैसे लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचाई जाए देखिए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जो विद्यालय है, हैं परिसदीय विद्यालय वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है क्योंकि इन विद्यालयों में सरकार सारी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराती है बच्चों का कोई शुल्क नहीं होता है उनको दो जोड़ी यूनिफॉर्म मिलते हैं सरकार की ओर से निशुल्क जूते मोजे स्वेटर भी सर्दियों से बचाने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था तो है ही बैग भी मिलते हैं किताबें भी मिलती सारी छात्रों की अध्ययन अध्यापन की सारी सुविधाएं निशुल्क मिलती हैं इसलिए स्वाभाविक है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूर किसान दलित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं इसमें तो वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी शहरों की तुलना में निश्चित रूप से उतनी अच्छी नहीं है सबके पास वो सुविधाएं नहीं हैं कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है ये चुनौती हमारे सामने थी इसलिए हमने दो बड़े आसान तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया एक था व्हाट्सएप जी कम कनेक्टिविटी में भी व्हाट्सएप की सुविधा है ज़्यादातर आजकल वो सामान्य से स्मार्टफोन भी जिनके पास हैं वो लोग व्हाट्सएप पर हैं तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने ब्लॉक थे ऐसे 880 ब्लॉक्स में 880 सौ व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए यहाँ मुख्यालय से जो कुछ कंटेंट तैयार होते थे वो उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सभी अपने ब्लॉक तक भेजते थे वहाँ हमारा जो खंड शिक्षा अधिकारी होता था उनके माध्यम से हमारे सभी स्कूलों के टीचर्स तक वो कंटेंट पहुँचते थे और फिर आ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए लगभग छः लाख शिक्षकों को जिन्होंने अचानक से पैदा हुई इस परिस्थिति में बिना किसी ट्रेनिंग के एक दूसरे की मदद लेकर एक दूसरे का सहयोग करके सबने अभिभावकों के नंबर लेकर बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उस ग्रुप से उनको जोड़ा उस ग्रुप पर उनको होमवर्क दिए और फिर उधर से बच्चों के अभिभावक और जो थोड़े बड़े बच्चे थे वो स्वयं भी होमवर्क करके व्हाट्सएप से फिर भेजते थे फिर शिक्षक उनको चेक करते थे उनको देखते थे और साथ ही साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी की समस्या से निपटने के लिए हमने एक ऐसा माध्यम चुना वह माध्यम था दूरदर्शन का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हर घर तक जिसकी पहुंच है जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने बाद में आगे चल करके जब लॉकडाउन लंबा चलने लगा जब ये लगा कि ये परिस्थिति लंबी चलेगी पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे तो दूरदर्शन पर 9 बजे से लेकर 1 बजे दिन तक अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग टाइम स्लाट पर हमने जो कक्षाएं शुरू की उसका बड़ा अच्छा परिणाम रहा जहां इंटरनेट नहीं भी था जहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं भी थे जहां स्मार्टफोन नहीं भी था उन बच्चों ने भी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाया सर अभी आपने जिक्र किया कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे थे ब्लॉक स्तर पर जिले स्तर पर पहुंचा रहे थे सर ये जो ई कंटेंट है उसकी तैयारी के लिए क्या प्रक्रिया है उसको आप कैसे तैयार कर रहे थे देखिए हमारे लिए एक अच्छी बात ये थी कि इस पेंडेमिक के कोविड नाइन्टीन की महामारी के आने से पहले ही अपने विभाग को डिजिटाइज करने के लिए ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे हम शिक्षकों हम की सर्विस बुक उनका पी एफ पेंशन वेतन से संबंधित चीजें हम पहले ही डिजिटल कर रहे थे पहले ही हम मिशन प्रेरणा शुरू कर चुके थे अपने विभाग में जिसके माध्यम से एक पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में हम लागू कर चुके थे एक पूरी दुनिया का एक बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा हम लोग हम लोगों ने शुरू किया था जो लगभग पूरा हो गया था थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ इस महामारी के कारण नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट्स बहुत सारी ऑनलाइन गतिविधियां हम पहले से कर रहे थे और एक दीक्षा पोर्टल भारत सरकार का था जिस पर बहुत सारे विडियोज जो ई कंटेंट होते हैं पढ़ाई के उसके अपलोड थे हमारे टीचर्स भी जो उनके पढ़ाने के अच्छे तरीके वो विकसित करते हैं वो वीडियोज भी उस पर डालते हैं ये पहले से ही था लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया और उसमें उन्होंने पीएम ई विद्या लॉन्च किया जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान महामारी के दौरान पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेज को सुगम बनाने के लिए ही था तो हम लोगों ने फिर uh, उस प्रोग्राम का भी इस्तेमाल किया और दीक्षा पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जिसमें पहले से ही ई कंटेंट मौजूद थे और इस दौरान हमारे टीचर्स ने भी ई कंटेंट बना करके अपलोड किए उसका दूसरे शिक्षकों ने भी लाभ उठाया जो दीक्षा पोर्टल आपने बताया दीक्षा पोर्टल तक बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर हमारे दर्शक वहां तक पहुंचना चाहें तो कैसे जा सकते हैं देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री का पीएम ई विद्या कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत ये दीक्षा पोर्टल एक तरह से वन नेशन वन एजुकेशन प्रोग्राम है एक जी. ऐसा पोर्टल है जिसमें पूरे देश दुनिया का जो ज्ञान है वो एक पोर्टल पर उपलब्ध है क्यू कोड बेस्ड है ये ये बेसिकली हमारे टीचर्स के लिए है कि टीचर्स उस पोर्टल पर जा करके क्यू आर कोड स्कैन करके किसी भी टॉपिक पर जो ई कंटेंट है उसका इस्तेमाल करके उसकी सहायता से बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस जो दे रहे हैं उसमें उनको सुविधा होती है सर आपके द्वारा जैसे दीक्षा की बात हो रही है तो मिशन ई प्रेरणा भी संचालित किया जा रहा है मिशन ई प्रेरणा से यूट्यूब चैनल भी चलाए जा रहे हैं सर इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं देखिए तो आप सब जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जी की विशेष रुचि है व्यक्तिगत रुचि है कि उत्तर प्रदेश की स्कूलों की स्थिति बेहतर हो उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में ये मिशन प्रेरणा हमने शुरू किया है जिसका लक्ष्य यह है कि हमको बेसिक शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है और हम अपने जिले जिलों को प्रेरित कर रहे हैं उनमें आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है कि कौन सा जिला सबसे पहले प्रेरक जिला बनेगा प्रेरक जिला बनने का मतलब मॉडल जिला जैसा हम चाहते हैं जैसी हमारी अवधारणा है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हर गरीब मजदूर किसान के बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके जो कुछ आज के दौर में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र को तकनीक पर आधारित बना सकें सुगम बना सकें ई कंटेंट का इस्तेमाल हमारे बच्चे कर सकें हमारे टीचर्स कर सकें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के कई सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने बनाए हैं उसी के लिए मिशन ई प्रेरणा शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत हम अपने अभी अगले सत्र से हमारे एक लाख उनसठ हजार स्कूल हैं एक करोड़ अस्सी लाख लगभग बच्चे हैं हम सारे स्कूलों को टैबलेट देने जा रहे हैं जिसमें हर स्कूल की सूचना हमारे डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी किस स्कूल में कितने टीचर हैं कौन टीचर है कितने बच्चे हैं कौन बच्चे हैं अलग अलग सोशल क्लास के बच्चे कौन से हैं लड़कियां कितने हैं लड़के कितने हैं और अभी हमने जो स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट कराना शुरू किया है हर बच्चे की जो फंडामेंटल लर्निंग की एबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है उसने क्या सीखा क्या समझा उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है इन सारे चीजों का जो हम परीक्षण कर रहे हैं ये सब कुछ ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं ताकि एक क्लिक पर एक स्कूल के सभी बच्चों की प्रगति के बारे में हम जान सकें हमारे अभिभावक जान सकें तो पूरी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए जी डिजिटल बनाने के लिए और दुनिया के जो बेहतरीन जो मानक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसके स्तर पर ले जाने के लिए और अपने शिक्षकों को अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए कि हम सब मिलकर के एक परिवार की तरह से अपने इस बेसिक शिक्षा परिवार को उन्नत बनाएं उसको ध्यान में रखकर मिशन शुरू जी आ, प्राइवेट स्कूलों में जैसे कि होता है कि स्मार्ट क्लास गैजेट्स हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह के अलावा बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है परिषदीय विद्यालयों में हम उनके समकक्ष ये सब चीजें उपलब्ध करा रहे हैं इसके बारे में बताए देखिए निजी विद्यालयों में भी जो बड़े शहरों में विद्यालय हैं जिन गैजेट्स की आप चर्चा कर रहे हैं या स्मार्ट क्लासेज की जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं जो महानगरों में स्थित विद्यालय हैं उन्हीं में ये सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई निजी विद्यालय भी, भी है तो ये सुविधाएं उतनी नहीं है लेकिन फिर भी हम हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन करने में लगे हुए हैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका नाम कायाकल्प दिया है आप देखेंगे अगर तो पिछले पंद्रह बीस सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी उनके भवन जर्जर जर थे छत टपकते थे दरवाजे नहीं थे खिड़कियां नहीं थी फर्श नहीं थे चारदीवारी नहीं थी पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी अच्छे शौचालय नहीं थे जो मिड डे मील के लिए किचन होता था वो हाइजेनिक नहीं था स्मार्ट क्लासेज और फर्नीचर के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते थे लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि के कारण जून 18 में ही ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ उसके 18 पैरामीटर तय हुए और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे एक लाख उनसठ हजार स्कूलों में हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही कैंपस में थे हमने उनका सम्मिलियन किया उनको कम्बोचित स्कूल बनाया जी अब लगभग एक लाख पैंतीस हजार जो कैंपस हैं उन कैंपस में से पचास हजार से अधिक परिसरों में अच्छे भवन हैं उनकी अच्छी रंगाई पुताई है प्रिंट रिच क्लासेज हैं। बच्चा जब अब शुरू होगा इस महामारी के समाप्त होने के बाद जब कक्षाएं शुरू होंगी और बच्चा अपने क्लास में आएगा तो उसकी दीवारें भी उसको पढ़ाएंगी अच्छी प्रिंटिंग है अधिकांश विद्यालयों में चार दीवार की सुविधा हो गई विद्युतीकरण हो रहा है अच्छे शौचालय बन रहे हैं पेयजल की अच्छी सुविधा हो रही है आरओ आरो लग रहे हैं फर्नीचर की सुविधा धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग हम संतृप्त कर चुके हैं प्राथमिक विद्यालयों में भी धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें हमारी जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है उसके फंड से ग्राम निधि से ग्राम पंचायत राज विभाग को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़ा सहयोग उस विभाग से मिला है बहुत सारे कंपनियों के सी फंड से कई व्यक्तिगत लोगों के सहयोग से समाज के सहयोग से हम अपने स्कूलों की तस्वीर बदलने में लगे हैं लगभग पंद्रह हजार मॉडल स्कूल हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किए हैं ताकि उनको देख करके ये समझ में आए कि इस तरह से एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जी पांच हजार छह हजार से अधिक स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू किए हैं जिसमें दीक्षा पोर्टल पर मौजूद ई कंटेंट का यूट्यूब पर मौजूद ई कंटेंट का इस्तेमाल करके हमारे टीचर्स ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इन तीन सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो परिवर्तन किया है बेसिक शिक्षा में चाहे वो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से या मिशन प्रेरणा के माध्यम से आप पिछले पंद्रह बीस साल की स्थितियों में तुलना करेंगे तो आपको आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा और अब हम लोग जब किसी गाँव से गुजरते थे और सरकारी स्कूल का भवन दिखाई देता था तो बहुत दुख होता था लगता था कि इनकी बहुत खराब स्थिति है बच्चों गरीब परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में से निकाल करके तमाम सारे आसपास के निजी विद्यालयों में भेजना शुरू किए थे लेकिन आज उन उन तस्वीर स्कूलों की तस्वीर सुंदर हुई है आज अपने बच्चों को फिर से लोगों ने उन स्कूलों में भेजना शुरू किया है पिछले तीन साढ़े तीन वर्षो में पचास लाख से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ी है आ, लाखों आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे वो स्कूल आना शुरू किए हैं और जनमानस में भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रति जो धारणा थी वो बदली है सर बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आपके विभाग द्वारा क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं या बच्चे अगर चाहें खेल के क्षेत्र में या फिर खेल कूद में अपना भविष्य बनाना चाहे तो उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं अभी भारत सरकार ने भी सहयोग कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हर गांव में हम एक प्ले ग्राउंड बनाएंगे और अमूमन जो वो प्ले ग्राउंड होगा वो स्कूल के आसपास ही होगा ताकि हर स्कूल को के बच्चों को खेलने की सुविधा मिले हमने एक पीरियड अनिवार्य रूप से खेलों का कर दिया है अंतिम पीरियड जो स्कूलों में होगा ये हमने कुछ में पिछले सत्र में ही कर दिया था लेकिन इस साल स्कूल अभी नहीं चल पा रहे, जब जब स्कूल खुलेगा चलेगा हमको जब इस मंत्रालय का दायित्व तो मिला तो हमने एक निर्देश जारी किया कि स्कूल खुलते ही पंद्रह मिनट का जब बच्चे प्रार्थना करते हैं उस समय अनिवार्य रूप से योगा होगा बच्चे और शिक्षक जिस योग को आसानी से कर सकते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जी। योग का कार्यक्रम करेंगे और खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है भारत सरकार का उससे पूरी तरह से हमारे स्कूल जुड़ेंगे हमारे स्कूलों में खेलों का आयोजन होता है फिर ब्लॉक लेवल पर प्रतिस्पर्धा होती है फिर तहसील लेवल पर प्रतिस्पर्धा होती है फिर जिला स्तर पर होती है फिर मंडल स्तर पर होती है फिर प्रदेश स्तर पर जोन वाइज स्पर्धा होती है तो स्कूल लेवल पर खेलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम तमाम तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं ये जो पूरी महामारी है इस दौर में बच्चे जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेज के कारण अगर उनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो तो उसके समाधान के लिए उनके परामर्श के लिए उनके सहयोग के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं एक तरह से हम काउंसलिंग का प्रोग्राम भी आ, हमारे काउंसलर्स होंगे जो समय समय पर अलग अलग, अलग स्कूलों में जाकर के या ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की अभिभावकों की काउंसलिंग भी करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया से हम अभिभावकों को भी जोड़ रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी लेवल पर हमारे बच्चों को किसी कठिनाई का आभास ना हो सर मिड डे मील या भोजन व्यवस्था की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा रहा है देखिए आप देख रहे होंगे इधर आ, के बरसों में एक दो सालों से आपको उत्तर प्रदेश में मिड डे मील को लेकर के शिकायतें अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को नहीं मिल रही है योगी सरकार ने उस दिशा में बहुत ही कठोरता से और ये बहुत ही तत्परता से काम किया है हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं अपने मंडलीय अधिकारियों के नेतृत्व में जो जब स्कूल चल रहे थे जब मिड डे मील बन रहा था अभी तो स्कूल चल नहीं रहे हैं तो मिड डे मील का हर बच्चे के हिस्से का जो अनाज है उसका कन्वर्जन कास्ट है वो हम उनके अभिभावकों तक पहुंचा रहे हैं लेकिन जब स्कूल चल रहे थे मिड डे मील बन रहा था तो औचक निरीक्षण हो रहे थे हमारे अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे थे कि मेनू के अनुसार भोजन बन रहा है कि नहीं इस समय पूरी मॉनिटरिंग हम ऑफलाइन और ऑनलाइन कर रहे हैं कि मेनू के अनुसार भोजन बने बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और पिछले दिनों जहां कहीं किसी ने लापरवाही की है बच्चों के सुरक्षा के साथ बच्चों के पोषण के साथ उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई भी की अब आज की जो परिस्थिति है उसमें मिड डे मील की व्यवस्था जिस तरह का के नियम है जिस तरह का मेनू है अच्छे किचन हमारे पास हैं बहुत सारे हमारे स्कूलों में भारत सरकार के निर्देशानुसार किचन गार्डन बन गए हैं किचन बन गए हैं बच्चों को पीने का शुद्ध पेयजल मिला है तो आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था का बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन हो रहा है एक लाख साठ हजार स्कूल एक करोड़ अस्सी लाख छात्र इतना बड़ा सेटअप इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का पांचवा छठवां बड़ा देश होता ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम ऐसे प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे पास तंत्र भी बड़ा है और उस हिसाब से हम धन भी खर्च करते हैं हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं थोड़ा जो समस्या जो आई वो इसलिए आई कि पिछले पिछले लगभग पंद्रह सालों में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जिस तरह से सरकारों को ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण उनकी अवस्थापना सुविधाएं कमजोर हुई बिल्डिंगें खराब हुई जर्जर हुई सुसज्जित नहीं हो पाए शिक्षकों की भर्ती उतनी तेजी से नहीं हो पाई थी बच्चों को देश जाने वाले सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है आप देखेंगे तो हर आयाम पर काम हो रहा है जहां एक तरफ स्कूलों की अवस्थापना सुविधाओं का में सुधार करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ जिसके कारण उनकी ढांचागत सुविधाएं ठीक हुई लाख पच्चीस हजार शिक्षकों की भर्ती हुई है बड़ी संख्या में स्कूल बंद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते थे तो शिक्षक नहीं होते थे उसके कारण धीरे धीरे वो स्कूल बंद हो जाते थे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना पूरी नहीं हो पाती थी लेकिन एक बार दो तीन चार, तीन चार बार भर्तियां निकाल करके और कई बार तो बड़े पैमाने पे एक बार अड़सठ पांच सौ की और एक बार फिर उनहत्तर हजार की लगभग सवा लाख शिक्षकों की हमने भर्ती की है आज ये स्थिति है कि हमारे हर स्कूल को शिक्षक हैं और अधिकांश स्कूलों में दो शिक्षक तीन शिक्षक या उनसे अधिक शिक्षक हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जितने आयाम थे उन सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय काम कर रही है और उसका एक अच्छा परिणाम भी आ रहा है अभी एक सर्वे आया है उसमें ये ट्रेंड दिख रहा है कि बहुत सारे लोग तमाम निजी विद्यालयों से निकाल करके अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में ला रहे हैं क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ निशुल्क हैं और शिक्षा अच्छी मिल रही है हमारे पास ट्रेंड टीचर हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हायर एजुकेटेड टीचर्स हमारे पास हैं जो बड़े डेडिकेशन और बहुत ही समर्पण के साथ काम कर रहे हैं अपने अपने विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए पहले हम पंद्रह बीस शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार देते थे अब हर जिले से एक शिक्षक को राज्य शिक्षक पुरस्कार देते हैं दस हजार की वो पुरस्कार राशि थी उसको बढ़ाकर हमने पच्चीस हजार की है और ऐसी तमाम सारे इंसेंटिव देने शुरू किए हैं जिससे परिस्थितियों में सुधार हुआ है ठीक है सर आप हमारे कार्यक्रम में आए आपने स्कूलों और हमारे दर्शकों को शिक्षा से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चलते चलते हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि स्कूलों की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताएं देखिए मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले लगभग चार साल अभी 19 मार्च आएंगे तो चार साल पूरे होंगे लेकिन आज पूरे देश को ये अनुभव होता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूत परिवर्तन हुआ है कभी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कभी वहां स्मार्ट क्लास होंगे फर्नीचर होंगे ये किसी ने सोचा नहीं था कभी वहां किचन सेट होंगे किचन गार्डन होंगे ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको कल्पना नहीं कर सकती थी आज ये सब वास्तविकता है हम आज अपने टीचर्स को हैंडबुक दे रहे हैं पूरा का पूरा लेसन प्लान उनको दे रहे हैं अब उनको तय है कि किस दिन क्या पढ़ाना है आ, मैंने पहले ही कहा कि ऑनलाइन कंटेंट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पूरी दुनिया में किसी विषय को पढ़ाने के जो अच्छे तरीके हैं उनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से आज हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं हम अपने टीचर्स को उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके जैसा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी कहा गया है उसको लेकर लगातार उनको ट्रेनिंग से जोड़ रहे हैं पहले क्या होता था शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी अब हम ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम चला रहे हैं हमारे स्कूलों में अभी स्कूल बंद होने से पहले महामारी के पहले एनुअल फंक्शन हमने शुरू किए पेरेंट टीचर मीटिंग हमने शुरू किया उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं की एक समिति बनाई है उस माँ समिति की रेगुलर बैठकें शुरू की स्कूलों की प्रबंध समिति को सक्रिय किया उन स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के वो बैठकें शुरू की योगा शुरू किया खेल की क्लासेस शुरू की अभी हम अगले सत्र से सप्ताह में एक दिन हम नो बैग डे शुरू करने जा रहे हैं बिना बैग के बच्चे आएंगे फ्री माइंड जो उन्होंने पांच दिन पढ़े हैं छठे दिन उसका अभ्यास करेंगे पुनरावृत्ति करेंगे खेलेंगे खेल खेल में नई चीजों को सीखेंगे ये सारी चीजें कर रहे हैं और अब जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई है जो भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देने वाली शिक्षा नीति आई है जो पुनः भारत को एक विश्व गुरु की स्थिति में प्रतिष्ठित करने के लिए आई है जो माननीय प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि जड़ से जग तक हमको पहुंचना है उस शिक्षा नीति के अनुसार और प्री स्कूल की जो अवधारणा शुरू हो रही है अपने आंगनबाड़ी के साथ मिलकर के उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है एनसीआर के पैटर्न का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी हमारी लगभग पूरी हो गई है प्रिंटरेज क्लासेज हमने बना लिए हैं तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों को सरकारी स्कूलों को उनमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उनका कायाकल्प करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गांव गरीब मजदूर दलित उन सभी के बच्चों को भी निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका व्यक्तिगत मार्गदर्शन उनका उनकी स्वयं की रुचि वो हमें संबल प्रदान करती है और इसमें हमारे शिक्षकों ने हमारे अधिकारियों ने जी बहुत ही मनोयोग से इस दिशा में काम किया है सर सर दूरदर्शन के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर चलती रहे जिंदगी दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है इससे अभी भी लोग प्रभावित हो रहे हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण के काल में आप अभी भी बहुत सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क लगाना कतई न भूलें सरकार के द्वारा जो भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करें क्योंकि जान है तो जहान है दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी जरूरी मुद्दे के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार